Hello everyone, myself Chavi Tomar, going to take your English class, and today's topic is noun. So let's start with the definition of noun. What is noun? A noun is a word that names a person, place, thing or idea. Means, jitne bhi hamare naming words honge, वो चाहे किसी पर्सन का नेम हो, प्लेस का नेम हो, थिंग का नेम हो या आइडिया का नेम हो, तो जितने भी हमारे नेमिंग वर्ड्स होंगे वो सभी नाउन कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल, सो फार्मर पर्सन के बारे में बात हो रही है, दैट्स व्हाई फार्मर. और अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, सो पीपल नेम नाउन कहलाएंगे. सेकेंड इज़ प्लेसेस, शिकागो इज़ ए प्लेस, वेटिंग रूम इज़ ए प्लेस, नाउन कहलाएंगे. थर्ड वन इज़ थिंग्स, फ्लावर्स, कीज, थिंग्स हैं, नाउन कहलाएंगे. आइडियाज़ और फीलिंग्स, सक्सेस क्या है, आइडिया है, फीलिंग है, हैप्पीनेस फीलिंग है, तो अगेन नाउन कहलाएंगे. सो पीपल, प्लेस, थिंग्स एंड आइडियाज़, नेम हमारे नाउन कहलाते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ नाउन, द फर्स्ट वन इज़ प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन इंडिकेट्स ए स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया. किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का नेम, प्लेस का नेम, थिंग का नेम और आइडिया का नेम जो स्पेसिफिकली दिया जा रहा हो वो हमारा प्रॉपर नाउन कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल किसी एक व्यक्ति का, स्पेसिफिक व्यक्ति का नाम है, दैट्स वाई प्रॉपर नाउन है. टेरीटाउन एक स्पेसिफिक जगह का नाम है, प्लेस का नाम है, अगेन ए प्रॉपर नाउन. रिकी टिकी टावी एक पोएम का नेम है, एक स्पेसिफिक पोएम का नेम है, अगेन ए प्रॉपर नाउन. द सेकेंड वन इज कॉमन नाउन. कॉमन नाउन क्या होते हैं? इट इंडिकेट एनी वन क्लास ऑफ पीपल, प्लेस, थिंग और आइडिया. जब किसी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा हो, पूरे प्लेस को, किसी पीपल की क्लास को, प्लेस की क्लास को, थिंग की क्लास को और आइडिया की क्लास को, पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करने की बात हो रही है, तो वहाँ पे ये कॉमन नाउन होगा. फॉर एग्जांपल, इन्वेंटर, तो किसी भी एक स्पेसिफिक इन्वेंटर की बात नहीं हो रही, एक पूरी क्लास की बात हो रही है, जितने भी इन्वेंटर्स हैं सभी की बात हो रही है, तो यहाँ पे कॉमन नाउन होगा इन्वेंटर. सेकंड वन इज विलेज. विलेज का नाम नहीं दिया है, सभी विलेज की बात है, तो यहाँ पे अगेन वन क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है विलेज, कॉमन नाउन कहलाएगा. स्टोरी, स्टोरी का स्पेसिफिकली नेम नहीं दिया है, सभी स्टोरीज़ की बात हो रही है, देन अगेन ये पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी यहाँ पे कॉमन नाउन होगा. नेक्स्ट इज कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. जो हमारे कॉमन नाउन होते हैं दैट कैन बी आइदर कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट, वो दोनों ही हो सकते हैं, कॉन्क्रीट भी और एब्स्ट्रैक्ट भी. सो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे दैट इट इज़ ए कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन? इसको आइडेंटिफाई करने के लिए अगर हम कॉन्क्रीट नाउन्स की बात करेंगे, सो दीज थिंग्स दैट यू कैन सी और टच, सो ये वो नेम होंगे, वो नेमिंग वर्ड्स होंगे जिन्हें आप देख सकते होंगे या उनको टच कर सकते होंगे, सो ये आपके कॉन्क्रीट नाउन कहलाएंगे. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन नेम आइडियाज़, क्वालिटीज़ और फीलिंग्स दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड. ये वो आइडियाज़, फीलिंग्स और क्वालिटीज़ होंगे जिनको देखा नहीं जा सकता, टच नहीं किया जा सकता, सिर्फ फील किया जा सकता है. सो बेसिकली दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट. कॉन्क्रीट में हम चीज़ों को देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट में हम उनको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते. अगर हम इसको और क्लासिफाई अच्छे से करें, सो यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं. कॉमन नाउन में मैंने बोला था इट कैन बी एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट बोथ, एंड प्रॉपर नाउन में प्रॉपर नेम दिए हुए हैं. सो कॉमन नाउन में हम देख लेते हैं, यहाँ पे दो कॉलम बने हुए हैं एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट के. एब्स्ट्रैक्ट में मैंने बोला था कि फीलिंग्स होंगी, आइडियाज़ होंगे दैट कैन नॉट बी सीन और टच, जो देखे नहीं जा सकते और टच नहीं किए जा सकते. तो पहला एग्जांपल यहाँ पे है ट्रुथ. ट्रुथ को सिर्फ हम फील कर सकते हैं, इसको हम देख नहीं सकते, इसको हम छू नहीं सकते, सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा. कॉन्क्रीट में दिया है डॉक्यूमेंट, देख भी सकते हैं डॉक्यूमेंट को, छू भी सकते हैं, सो कॉन्क्रीट नाउन में आएगा. करेज, करेज को सिर्फ फील किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा. क्राउन, क्राउन कॉन्क्रीट नाउन कहलाएगा, देखा भी जा सकता है, छुआ भी जा सकता है. टाइम,
समय, समय किसी ने नहीं देखा, अगेन एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। स्नो, देख सकते हैं, छू सकते हैं, कंक्रीट नाउन कहलाएगा। सो इसी तरह से ट्राई टू फाइंड आउट मोर एंड मोर एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्रीट नाउन, ताकि आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सा किस कैटेगरी में आएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट प्रॉपर नाउन, सुप्रीम कोर्ट पर्टिकुलर एक प्लेस को इंडिकेट कर रहा है, क्वीन विक्टोरिया एक पर्टिकुलर पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, दिसंबर एक पर्टिकुलर मंथ को, म्यूजियम ऑफ एंथ्रोपोलॉजी नेटिव अमेरिकन, सो पर्टिकुलर स्पेसिफिकली नेम दिए हैं, सो ये प्रॉपर नाउन कहलाएंगे। नाउ प्लूरल एंड सिंगुलर नाउन में आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इन दोनों को? जब हम सिंगुलर नाउन की बात कर रहे हैं, इट इज़ ए नाउन मीन्स वन ओनली, राइट? व्हेन ए नाउन मीन्स वन ओनली, सिर्फ एक की बात कर रहे होंगे, इट इज़ सेड टू बी सिंगुलर, तो ये सिंगुलर होगा। फॉर एग्जाम्पल, बॉय मीन्स वन बॉय, गर्ल मीन्स वन गर्ल, बुक मीन्स वन बुक, चर्च मीन्स वन चर्च, बॉक्स मीन्स वन चर्च। सो जब एक की बात हो रही होगी, देन सिंगुलर नाउन कहलाएगा। व्हेन प्लूरल नाउन मीन्स मोर देन वन, सो जहाँ पे मोर देन वन की बात हो रही होगी, मीनिंग मोर देन वन का निकल रहा होगा, इट इज़ सेड टू बी प्लूरल, सो उसको प्लूरल नाउन कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, बॉयज़, बॉय में एस लगा है, प्लूरल है, सो यहाँ पे मोर देन वन बॉयज़ हो गए, प्लूरल नाउन है। गर्ल्स, मोर देन वन गर्ल है, अगेन प्लूरल नाउन है। बुक्स, चर्चेस, ये सभी प्लूरल नाउन है। नेक्स्ट इज कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होते हैं? कंपाउंड नाउन एक नाउन होता है मेड अप ऑफ टू और मोर वर्ड्स, जो दो या दो से ज़्यादा शब्दों से मिलकर बना होता है। अब कंपाउंड नाउन कैन बी वन वर्ड, ये वन वर्ड का भी हो सकता है, लाइक ए स्टोरी बुक। ऊपर मैंने बताया था आपको, ये बनता है दो या दो से ज़्यादा शब्दों को मिलाकर। अगर वन वर्ड का कंपाउंड नाउन हम देखें, देन देर इज एग्जाम्पल ऑफ स्टोरी बुक। स्टोरी बुक में हमारे टू वर्ड्स हैं, फर्स्ट वन इज स्टोरी, सेकेंड इज बुक। दोनों को कंपाउंड करके, दोनों को कंबाइन करके कंपाउंड नाउन बनाया, दैट इज स्टोरी बुक। इसके अलावा सेकेंड है, कंपाउंड नाउन कैन बी मोर देन वन वर्ड, एक वर्ड से ज़्यादा का भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आइसक्रीम, आइस अलग होता है, क्रीम अलग होता है, दो वर्ड है और दोनों को एक जगह ज्वाइन नहीं किया गया, अलग अलग ही है रखा गया है और इसका एक मीनिंग है आइसक्रीम। सो मोर देन वन वर्ड में अगर कंपाउंड नाउन में जाएंगे, सो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल निकल के आएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे आइसक्रीम लिखा है। इसके अलावा कंपाउंड नाउन को हम हाइपन्स से भी ज्वाइन करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है रनर अप, सो रनर के बाद हमने हाइफन का निशान लगाया है, देन अप लिखा है, तो ये रनर अप क्या है? एक कंपाउंड नाउन है जो दो वर्ड से मिलकर बना है और दोनों के बीच में हमने हाइफन लगाया है। इसी तरह जैसे हम मदर इन लॉ लिखते हैं, सिस्टर इन लॉ लिखते हैं, उनके बीच में भी हम हाइफन लगाते हैं। मदर इन लॉ में थ्री वर्ड्स आते हैं, बट स्टिल वो एक कंपाउंड नाउन होता है। अगर इसको और अच्छे से हम समझने की कोशिश करें कंपाउंड नाउन को, सो मैंने यहाँ पे आपको तीन तरह के कंपाउंड नाउन बताए हैं। एक तो वन वर्ड वाले होते हैं, दूसरे जिनमें के बीच में हम हाइफन लगाते हैं और वन से ज़्यादा वर्ड्स उसमें होते हैं, थर्ड वन है मोर देन वन वर्ड लेकिन वो हाइफनेटेड नहीं होते हैं। एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। फर्स्ट इज हाउसकीपर। हाउसकीपर में दो वर्ड से मिलकर बना है, हाउस और कीपर, दोनों को ज्वाइन कर दिया गया है, तो अगेन एक तीसरा वर्ड बना हाउसकीपर। क्या है हाउसकीपर? हमारा कंपाउंड नाउन है। हाइफनेटेड में अगर बात करें, मदर इन लॉ, तीन वर्ड से मिलकर बना है, मदर इन एंड लॉ, और इनके बीच में हमने इन्हें हाइफन से जोड़ा है, तो ये हमारा हाइफनेटेड नाउन का एग्जाम्पल हो गया, मदर इन लॉ। थर्ड वन इज डाइनिंग रूम। दो वर्ड हैं, डाइनिंग प्लस रूम, दोनों को मिला के एक कंपाउंड नाउन बना है डाइनिंग रूम, बीच में कोई हाइफन नहीं लगाया गया है। सेकेंड एग्जाम्पल फॉर वन वर्ड, शोकेस।
शो एंड केस, टू वर्ड दोनों को ज्वाइन किया गया है. रनर अप, रनर प्लस अप, हाइफन लगाया गया है. आइस क्रीम, कोई हाइफन नहीं है, बट आइस हैव अ डिफरेंट मीनिंग, क्रीम हैव अ डिफरेंट मीनिंग, बट व्हेन वी आर ज्वाइनिंग दीज टू इट क्रिएट ए डिफरेंट मीनिंग. इसी तरह से बुकमार्क हो गया, ग्रेट ग्रैंडमदर हो गया, मेड ऑफ ऑनर हो गया, फुटबॉल, किलोवाट आवर, म्यूजिक बॉक्स, ये सभी आपके कंपाउंड नाउन्स के एग्जाम्पल हैं. इट कैन बी वन वर्ड, इट कैन बी हाइफनेटेड, इट कैन बी मोर देन वन वर्ड. नाउ प्लुरल कंपाउंड नाउन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे या कैसे बनाएंगे? प्लुरल कंपाउंड नाउन को बनाने के लिए, अगर वो वन वर्ड की तरह लिखे हैं, जैसे वन वर्ड लिखे जाते हैं, जो उनके फॉर्मूलाज होते हैं, जो उनके रूल्स होते हैं कि उनको प्लुरल बनाने के लिए हम इन द एंड उनमें एस या ई एस को जोड़ते हैं, उसी तरह से हम प्लुरल कंपाउंड नाउन को बनाएंगे. बट अगर हमें हाइफनेटेड जो हमारा कंपाउंड नाउन है उसका प्लुरल बनाना है, या मोर देन वन वर्ड वालों का प्लुरल बनाना है, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कंपाउंड नाउन का, उसको हम प्लुरल फॉर्म में चेंज कर देते हैं. लेट मी रिपीट इट वंस अगेन. प्लुरल बनाते समय कंपाउंड नाउन को, अगर वन वर्ड वाला कंपाउंड नाउन है तो उसके लिए वही रूल लगेंगे जो हमारे प्लुरल बनाने के लिए लगते हैं, कि इन द एंड हमें एस या ई एस ऐड करना होता है. बट अगर हाइफनेटेड है या एक शब्द से ज़्यादा शब्दों का है, वन वर्ड से ज़्यादा वर्ड का हमारा कंपाउंड नाउन है, तो उस वर्ड के मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट को हम प्लुरल फॉर्म में चेंज करते हैं. इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे यहाँ पे वन वर्ड वाला भी दिया है, प्लुरल रूल्स वन वर्ड के लिए सेम प्लुरल रूल्स को फॉलो करेंगे, इन द एंड एस या ई एस लगाएंगे. जैसे फुटबॉल को प्लुरल बनाया तो हमने एस ऐड किया है, हेडलाइट में हेडलाइट्स बनाया, स्ट्रॉन्ग बॉक्स को हमने ई एस जोड़ा, स्ट्रॉन्ग बॉक्सेस बनाया, रोज़ बुश को हमने रोज़ बुशेस बनाया, इस तरह से. नाउ हाइफनेटेड की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था मेक द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कंपाउंड नाउन प्लुरल. तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होगा कंपाउंड नाउन का, उसको हम प्लुरल बनाएंगे. जैसे ग्रेट ग्रैंडमदर्स, सो ग्रेट ग्रैंडमदर एक नाउन है जिसमें ग्रैंडमदर सबसे इम्पोर्टेंट है, और ग्रैंडमदर को ही स्पेसिफाई कर रहा है ग्रेट. सो यहाँ पे ग्रैंडमदर इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसी के एंड में एस लगाया गया और इसको प्लुरल फॉर्म में चेंज किया गया है. सेकंड वन इज़ रनर्स अप. रनर इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसमें हमने एस को ऐड किया है, देन अप में नहीं किया है. इस तरह से हमने सिंगुलर से रनर अप को रनर्स अप में चेंज किया है. नेक्स्ट इज, जहाँ पे मोर देन वन वर्ड होंगे वहाँ पे भी सेम वही है कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होगा कंपाउंड नाउन का, उसको हम प्लुरल फॉर्म में चेंज करेंगे. फॉर एग्जांपल मेड्स ऑफ ऑनर, तो यहाँ पे मेड जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका कंपाउंड नाउन का, इसीलिए इसमें एस को ऐड किया गया है, इसको प्लुरल बनाया गया है. सेकेंड एग्जाम्पल इज म्यूजिक बॉक्सेस. बॉक्सेस इम्पोर्टेंट है, तो अगेन ई एस इसमें ऐड किया गया है, म्यूजिक में नहीं ऐड किया गया है. रिमेंबर दिस थिंग कि हाइफनेटेड और मोर देन वन वर्ड वालों को जब आप कंपाउंड नाउन को प्लुरल फॉर्म में चेंज करेंगे, सो जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होगा इन कंपाउंड नाउन का, उसको आप प्लुरल फॉर्म में चेंज करेंगे. नेक्स्ट इज पजेसिव नाउन. पजेसिव नाउन क्या होते हैं? नाउन नेम्स हु और व्हाट ऑन्स और हैज समथिंग. ये पजेशन को दिखाते हैं, आपकी ओनरशिप को दिखाते हैं, कि कौन और किस चीज़ को आप ऑन करते हैं, कौन किस चीज़ को ऑन करता है. सो पजेसिव नाउन जो हमारे होते हैं, दैट कैन बी कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, बोथ दोनों हो सकते हैं. इट कैन बी सिंगुलर और प्लुरल, बोथ सिंगुलर और प्लुरल भी हो सकते हैं. सो लुक एट द एग्जांपल्स टू फाइंड आउट द पजेसिव नाउन एग्जांपल. द फर्स्ट वन इज रीता हैज़ ए बुक ऑन हिस्ट्री. नॉर्मल सेंटेंस है, देयर इज नो
अगर हम इसको पजेसिव में दिखाना चाहें, पजेसिव नाउन को यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहें, देन अगेन लुक एट द सेकेंड सेंटेंस, रीताज बुक इज न्यू। सो रीताज बुक, जिसकी भी ऑनरशिप होती है किसी भी पर्टिकुलर थिंग पे, उसके नेम के बाद हम अपोस्ट्रॉफी प्लस एस लगा देते हैं, उसी के जस्ट बाद जिस चीज़ पे, जिस प्लेस पे उसका पजेशन होता है उसको रखा जाता है। ये हमारे पजेसिव नाउन को पहचानने का सिंपल रूल होता है। सो हूज बुक, रीताज बुक, रीता की बुक। सो बुक पे किसकी ऑनरशिप है, किसका पजेशन है, रीता का है। सो यहाँ पे पजेसिव नाउन क्या हो गया हमारा, रीता, रीताज बुक। नेक्स्ट इज एड एन अपोस्ट्रॉफी एंड एस टू शो द पजेसिव ऑफ मोस्ट सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन को पजेसिव नाउन में चेंज करने का रूल क्या होता है, रूल होता है कि जो भी सिंगुलर हमारा नाउन है उसके जस्ट बाद हम अपोस्ट्रॉफी लगाते हैं और उसके बाद एस लगाते हैं, देन हम जिस चीज़ पे उसका पर्टिकुलर थिंग पे पजेशन है उसको प्लेस करते हैं। जैसे फादर है, सिंगुलर है, सो इसको हमने पजेसिव केस में कैसे चेंज किया, फादर के बाद अपोस्ट्रॉफी लगाया, एस लगाया, फादर्स कार। डेव, डेव के बाद अपोस्ट्रॉफी लगाया, एस लगाया, बुक, डेव्स बुक। सो ये हो गया सिंगुलर को पजेसिव फॉर्म में चेंज करने का फॉर्मूला। नाउ अगर बात हो रही है प्लुरल को, प्लुरल नाउन को पजेसिव केस में चेंज करने की, देन जैसे डॉग है, डॉग को हम प्लुरल फॉर्म में, उसका डॉग्स हो गया। सो यहाँ पे ऑलरेडी एंड में एस लगा हुआ है, इसीलिए सिर्फ पूरा डॉग्स के बाद हमने अपोस्ट्रॉफी मार्क लगाया है और उसके बाद ऑनर लिख दिया है। सो यहाँ पे दोबारा से एस लगाने की नीड नहीं होती है, सिर्फ आपको अपोस्ट्रॉफी लगाना होता है। सेकंड इज चर्चेज, चर्चेज में ऑलरेडी ई एस जुड़ा हुआ है, इसके साथ अलग से एस को या ई एस को नहीं जोड़ना है, सिर्फ अपोस्ट्रॉफी को हमें यहाँ पे लगाना है। सो डॉग्स हो गया, चर्चेज हो गया, ये हमारे एग्जाम्पल हो गए किसके, प्लुरल नाउन के। नेक्स्ट इज जब हम बात करते हैं पजेसिव केस में प्लुरल नाउन की, बट वे प्लुरल नाउन जो एंड में जिनके एस या ई एस नहीं लगता बट वो प्लुरल होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम मैन हैं, मैन को एम ए एन से हम एम ई एन बनाते हैं, इनके एंड में हम एस को ऐड नहीं करते। सो ऐसे नाउन को पजेसिव केस में चेंज करने के लिए क्या किया जाएगा, लुक एट द एग्जांपल, द फोर मैंस कार। सो यहाँ पे मैन के बाद अपोस्ट्रॉफी मार्क लगाया है, देन एस लगाया है, इस तरह से हम इनको पजेसिव केस में चेंज करेंगे। जैसे गूज, गूज का प्लुरल फॉर्म होता है गीज, सो इसमें एंड में एस लगाने की ज़रूरत नहीं होती व्हेन वी आर चेंजिंग इट इनटू ए पजेसिव केस। सो इसमें हम सिर्फ अपोस्ट्रॉफी लगाएंगे एंड एस लगाएंगे। इसी के अलावा एक और रूल है अपोस्ट्रॉफी और मीन्स पजेसिव नाउन का, दैट इज़ अगर कोई भी प्लुरल हमारा जो वर्ड है वो एंड हो रहा है एस में, एस से ही एंड हो रहा है, और ये हमारा कंपाउंड नाउन भी है, राइट। कंपाउंड नाउन को जब हम पजेसिव केस में चेंज करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कि या तो हम जो वर्ड हमारा एस से एंड हो रहा है उससे पहले अपोस्ट्रॉफी मार्क लगाएं और एस को अलग कर दें, या फिर जैसे नहीं पहले पहले वाला एग्जांपल दे लगते हैं, हाई स्कूल्स मैस्कॉट। सो यहाँ पे स्कूल्स प्लुरल इसको बनाया गया है, बट उससे पहले अगर पजेसिव केस में इसको चेंज करना है तो हमने स्कूल के बाद अपोस्ट्रॉफी मार्क लगाया और फिर एस को रखा है। इसी के अलावा एक दूसरा रूल ये है कि जैसे बॉयज़, बॉय स्काउट्स ट्रिप, सो स्काउट्स को पूरा एज इट इज़ रखा गया है और इसके बाद भी हम अपोस्ट्रॉफी मार्क लगा सकते हैं। सो दो रूल होते हैं कि या तो हम अपोस्ट्रॉफी को लगाएं एंड एस से पहले प्लुरल में, कंपाउंड नाउन में, या फिर अपोस्ट्रॉफी खाली लगाएं और पूरा स्काउट जैसे यहाँ पे लिखा है एस इसमें पहले ही लगा हुआ है उसके बाद अपोस्ट्रॉफी लगाएं, दोनों ही तरीके से ये करेक्ट होगा। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, जब हम कंपाउंड नाउन को
पजेसिव फॉर्म में चेंज करते हैं सो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कि जो वर्ड हमारे प्लुरल फॉर्म में एस या ईएस से ही फिनिश हो रहे हैं इनके बाद या तो आप एस को अलग कर दीजिए एस से पहले आप अपोस्ट्रॉफी लगा लीजिए तो भी इट विल बी राइट या फिर एस के बाद आप खाली अपोस्ट्रॉफी मार्क लगा दीजिए तो भी ये करेक्ट होगा सो These are the rules, these are the formulas, these are the definition for noun and types of noun. आशा है आप सभी को समझ आया होगा आप सभी ध्यान से वीडियो को देखें और घर पे इससे रिलेटेड और भी रूल्स को बार बार स्टडी करें इससे रिलेटेड एक्सरसाइज को करें सो दैट आपको हर एक टाइप के जो नाउन है उसका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए थैंक यू ऑल